अभी कल जहाँ पे छोड़ा था वो ये था कि ये लेफ्ट और राइट प्रिंट कर रहे थे हम स्क्रीन पे यूजिंग इंटरप्ट्स और वो पोर्ट्स के ज़रिए से पढ़ा था और फिर ये काम किया था। तो ये प्रोग्राम बाकी तो सारा कल डिस्कस कर लिया था, इसका एंड जो था वो डिस्कस कर लो। इसका एंड ये था कि स्टार्ट में ये तो हम हुक लगा रहे थे, ठीक है, हुक लगाने के बाद इसके बाद ये प्रोग्राम इधर एक इन्फिनिट लूप के अंदर चलना शुरू हो जाता था। इसकी आखिरी लाइन ये थी L1 जंप L1, यानी ये एक इन्फिनिट लूप के अंदर यहाँ पे घूमना शुरू हो जाता था। तो बेसिकली प्रोग्राम वहाँ पे स्टक हो जाता था ना, कि मतलब बस तुम शिफ्ट कीज तो काम करती थी लेकिन कीबोर्ड की कोई और की काम नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वो जारी बात है, तुमने सिर्फ तुमने जब कीबोर्ड को हुक किया तो अब कीबोर्ड से जो भी की तुम दबाओगे वो उसमें हुक में जाएगा, और हुक में सिर्फ तुमने दो कीज के बारे में लिखा हुआ है कि क्या करना है, वो शिफ्ट और शिफ्ट है, ठीक है। तो अगर तो सारी कीज को संभालना है तो फिर हमें या तो सारों के बारे में लिखना है या फिर चेनिंग करनी है, ठीक है, चेनिंग का कॉन्सेप्ट अभी आएगा। अच्छा, अब अगले में हम क्या करेंगे, अगले में हम टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। बाकी प्रोग्राम सारा वही है, सिर्फ उसने स्टार्ट दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या हो रहा है, हुक लग रहा है, जारी बात है। अच्छा, अब बजाय इसके कि हम इन्फिनिट लूप लगाएं, हमने कुछ और किया, हमने ये किया है कि हमने ये सर्विस कॉल की है। तो इंटरप्ट 16 की सर्विस 0 तुम्हें याद होगी, ये गेट की स्ट्रोक की सर्विस थी जो एक कीबोर्ड से एक की पढ़ता था। तो ये सर्विस एक की पढ़ेगी और पढ़ के AL में डाल देगी, जो ये सर्विस करती थी, ये पिछले चैप्टर में जो सर्विस थी। अब जब की पढ़ ली तो उसको कंपेयर करो 27 के साथ। 27 ASCII कोड है एस्केप की का। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एस्केप की दबी है तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, वरना ये आगे चलता रहेगा। वो खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है। अब खास बात ये है चेनिंग, ठीक है। चेनिंग काफ़ी बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि जब तुम हुक करते हो तो तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो। हुक में तुम ये करते हो, ये तुम्हारी IVT है, और हुक में तुम बेसिकली ये करते हो कि ये एक डिफॉल्ट ISR चल रही होती है, तो इसको तुम फारिग करके अपनी ISR रन कर देते हो, ठीक है। यानी हुकिंग में बेसिकली ये होता है कि एक हर इंटरप्ट के अगेंस्ट एक डिफॉल्ट ISR चल रही होती है ना, और एक तुम अपनी खुद ISR लगाते हो जो तुमने इस दफा KB ISR के नाम की लगाई है। अच्छा, अब जब तुम इंटरप्ट को हुक करते हो तो फॉर एग्जांपल तुमने इस वाले इंटरप्ट को पकड़ के हुक किया, ये कोई भी एक इंटरप्ट है जिसको हुक किया, इसकी इसकी एंट्री को तुमने चेंज किया, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट कर रहा होता था डिफॉल्ट ISR की तरफ। सिंपल सी बात है कि जब फलाना इंटरप्ट आता है तो IVT में से वो देखता है कि कौन सा वेक्टर है, उस वेक्टर पे चलाया जाता है, तो वो डिफॉल्ट ISR की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। जब तुम हुक लगाते हो तो तुम ये करते हो कि तुम इसको पॉइंट करवा देते हो अपनी ISR की तरफ। ओरिजिनल कहाँ गई, ओरिजिनल कोड तो पड़ा हुआ है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होएगा। अब कीबोर्ड से जब भी की दबेगी, इंटरप्ट आएगा, तो वो तुम्हारे हुक के अंदर चला जाएगा, तुम्हारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जिसमें क्या लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर शिफ्ट दबे तो L लिख दो या R लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब बाकी सारी कीज जो हैं वो तो नहीं तुमने कंट्रोल की, तो वो सारी या तो तुम इधर कोड करो सारी कीज की, अगर A दबे तो ये करो, B दबे तो ये करो, C दबे तो ये करो, ठीक है। या फिर ये है कि जब तुम अपना काम करके फारिग हो चुको, जब ये तुम्हारा कोड चल पड़े, तो आखिरी लाइन पे तुम कॉल कर दो डिफॉल्ट ISR। इस कॉन्सेप्ट को चेनिंग कहते हैं। इंटरप्ट चेनिंग मीन्स दैट यू कॉल डिफॉल्ट ISR फ्रॉम विद इन द हुक टू इंश्योर दैट द नॉर्मल फंक्शंस भाई। सर जी, वो जो हमने इनफिनिट लूप लगाई थी वो भी यही काम कर रही थी। नहीं, इन्फिनिट लूप तो बस अपने अंदर घूम रही थी ना, वो तो कुछ भी नहीं कर रही थी, बस वो तो अपने अंदर ठीक घूम रही है। थी। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं कर रही थी। चेनिंग ये है कि जब भी तुम हुक करते हो तो जो नॉर्मल डिफॉल्ट ISR है वो तो फारिग हो जाती है, वो तो चलती नहीं है, लेकिन उस ISR में बड़ा कुछ लिखा हुआ है, उस ISR में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो पूरे का पूरा कीबोर्ड संभाल रही होती है, ठीक है ना। तो अब चेनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारा हुक में जो काम लिखा हुआ है वो काम भी होए,
और जो नॉर्मल काम है वो भी होता रहे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये सारी कीज जो हैं, ये सारी चलती है ना कीज नॉर्मली, इनको कौन चलाता है? इनको डिफॉल्ट ISR चलाती है। अब जब तुम इसको हुक कर दो और इसको फारिग कर दो, तो ये कीज चलना बंद हो जाएंगी। अब या तो तुम अपने हुक में इधर लिखो सारा कुछ कि ए का क्या करना है, बी का क्या करना है, सी का क्या करना है, वो बहुत लंबा काम है। तो हम करते ही हैं कि हम हुक तो लगाते हैं अभी भी, हम अपना सारा काम तो करवाते हैं, वो शिफ्ट से एल और आर हम लिखवाएंगे, लेकिन एंड पे बिल्कुल जब रूटीन खत्म होएगी वहां से हम ओरिजिनल को कॉल करते हैं। अब ओरिजिनल क्या करेगी? ओरिजिनल बाकी सारी कहानी लिखी हुई है कि ए को कैसे संभालना है, बी को कैसे संभालना है, सी को कैसे संभालना है। तो ये चेनिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, करना इसको बहुत आसान है। करना इसको ये है कि हुक तो लगना ही लगना है, लेकिन सॉरी हुक तो ये चार लाइनें थी ना, ये हुक था जो पहले भी लग रहा था कल तक। अब ये ऊपर क्या हो रहा है, ये चार लाइनें क्या कर, तो ये चार लाइनें एड्रेस सेव कर रही हैं। जो भी उस वेक्टर का एड्रेस था उसको ओल्ड ISR में डाला, और जो सेगमेंट का एड्रेस था उसको ओल्ड ISR प्लस 2 में डाला। यानी ओल्ड ISR हमने एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें हम वो एड्रेस रख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो भी वेक्टर पड़ा हुआ था पहले से, ओरिजिनली जो भी पड़ा हुआ था उसको हमने सेव करके रख लिया है ओल्ड ISR नाम के वेरिएबल में। जब हुक लगाओगे तो वो तो ओवरराइट हो जाएगा ना, जब यहाँ पे हुक लगाओगे तो उसके ऊपर तुम कोई नया एड्रेस लिख दोगे। तो जो पुराना एड्रेस था वो किसका एड्रेस था? वो डिफॉल्ट ISR का एड्रेस था, डिफॉल्ट वो एड्रेस तुमने सेव कर लिया साइड पे रख लिया ओल्ड ISR में। तो ये चार लाइनें नई हैं, बाकी सारा सेम है। बाकी वही है कि तुमने हुक लगाया और वो सारा कुछ किया। अच्छा, एक और चीज बदलेगी हुक के अंदर। तुम अपना काम करते रहोगे, तुम एल प्रिंट करवाओगे, तुम आर प्रिंट करवाओगे, सारा काम करते रहोगे, लेकिन एंड पे जहां पे रूटीन खत्म होती है वहां पे पहले तुम ये लिख रहे थे, ये क्या था? एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल था कि 20 को 20 के ऊपर लिख दो। तो अब ये लाइनें उसने कमेंट कर दी हैं, मतलब अब हमें ये जरूरत नहीं है करने की। हम सिर्फ ये करेंगे कि हम जंप करेंगे ओल्ड ISR, विच मीन्स कि जब हमारी रूटीन के बी ISR खत्म हो गई तो उसके एंड पे हम जंप कर देंगे ओरिजिनल डिफॉल्ट ISR के ऊपर। अब वो एग्जीक्यूट करेगी और वो हमें वापस लेके आएगी। तो चेनिंग ये है कि तुम अपने हुक में से ओरिजिनल को कॉल करते हो, और इसमें होना ये चाहिए कि तुम्हारा बाकी कीबोर्ड असली तौर पे चलना चाहिए, लेकिन अगेन मुझे नहीं पता कि ये चलेगा या नहीं। वो ये जहाँ पे हार्डवेयर आ जाती है ना वहाँ पे काम डॉस बॉक्स का ख़राब हो जाता है। तो हमें इससे अगला प्रोग्राम चलाना चाहिए, ये वाला चलाना नहीं चाहिए, लेकिन चलो चलते हैं। सर जी, वो जो असाइनमेंट थी ना, आपने कहा था कि वो आप लोगों ने चेक कर लेना, ये इंटर की प्रेस करने से वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था। हाँ, तो मैंने वो यही देखा था, तो मैंने यही ये जो ओल्ड हुक का ना इसका कोड मैंने लगाया था, मुझे आइडिया नहीं था तब, तो मैंने ये कोड उठा के लगा दिया तो वो चल पड़ी थी की। सही, ठीक है। अच्छा भाई, तो चेनिंग में ये हुआ कि हमने पुरानी ISR को कॉल कर दिया। अच्छा, अब होता क्या है, जब अब समझो कि चेनिंग हुई भी है, तो व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स, जब प्रोग्राम एंड होता है, ख़त्म होता है, तो क्या होता है? ठीक है, जाहिर बात है कि के बी ISR इज रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ प्रोग्राम। भाई के बी ISR जो है वो एक सब रूटीन थी ना तुमने जो अपने प्रोग्राम में लिखी हुई थी। तो जब प्रोग्राम टर्मिनेट करता है तो जाहिर बात है कि के बी ISR तो मेमोरी में से फारिग हो जाती है, ये तो ख़त्म हो गई। हुक का क्या होता है? क्या हुक भी खत्म हो जाता है या हुक लगा रहता है? हुक स्टेज इन प्लेस। हुक है क्या? हुक का ताल्लुक प्रोग्राम से नहीं है, हुक का ताल्लुक IVT से है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल से है। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल का प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर तुम यहाँ पे जाके कोई चीज बदलोगे तो वो खुद ब खुद वापस ठीक नहीं हो जाएगी। तो ये हुक जो है वो लगा हुआ रह गया। अब होएगा क्या, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज अ टैंगलिंग पॉइंटर। टैंगलिंग पॉइंटर का क्या मतलब है कि भाई अब समझो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, अब कोई नया प्रोग्राम शुरू हो गया, अब उस नए प्रोग्राम में कोई बंदा अगर कीबोर्ड दबाता है तो सिस्टम तो नॉर्मल काम करेगा, वो इधर आएगा, देखेगा कि किधर जाना है, वो उसको पता लगेगा कि इधर जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, तो वो इस एड्रेस पे चला जाएगा। लेकिन अब इस एड्रेस पे KBISR तो है ही नहीं, इस एड्रेस पे उसको पता नहीं क्या मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो डैंगलिंग पॉइंटर्स खतरनाक हैं, वी नीड टू अवॉइड dangling pointers by unhooking before terminating the program. और फिर कहता हूं कि जो हुक तुमने लगा दिया है वो हुक लगा रहेगा, वो खत्म नहीं होएगा खुद बहुत। तुम्हारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, उसका कोड खत्म हो जाएगा, लेकिन हुक अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, वो एक डैंगलिंग रेफरेंस बन जाएगा कि अब इधर से पता नहीं किधर चला जाएगा वो, यहाँ पे पता नहीं किसका कोड चल रहा होगा, हमें तो नहीं पता। तो इससे बचने के लिए हमें अनहुक करना ज़रूरी है। अनहुक करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो ओरिजिनल एड्रेस वापस रख दो। भाई हुकिंग का क्या मतलब था, हुकिंग का मतलब था कि एड्रेस चेंज कर दो ना, मतलब अपने का एड्रेस लिख दो। तो अनहुकिंग क्या होएगा कि ओरिजिनल का एड्रेस वहाँ पे वापस रख दो। तुमने उठा के सेव तो किया ही हुआ है ना, तुमने साइड पे ओल्ड ISR में तो रखा ही हुआ है उसको, तो उसको तुम बस उठा के उधर वापस रख दो। यानी अच्छा अनहुकिंग उसने करके दिखाई होगी, जहरी बात है, ठीक है। अनहुकिंग इस तरह से होगी, नजर आ गई जी सर। अच्छा तो तुम्हारे पूरे का पूरा प्रोग्राम अब जब एंड होता है तो वो ये कर रहा है कि स्टार्ट में वो ओल्ड का एड्रेस सेव करता है, फिर हुक लगाता है। हुक लगाने के बाद उसको पता चलता है कि यार बाकी भी तो चीजें चलानी है ना डिफॉल्ट वाली, तो उसके लिए वो चेनिंग करता है। और अब डैंगलिंग पॉइंटर से बचने के लिए वो ये करता है कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट करता है तो जो हुक है उसको उतार देता है। हुक उतारने से मुराद ये है कि वो ओरिजिनल का एड्रेस वहाँ पे वापस रख देता है, ठीक है, जो ये इन चार लाइनों में हो रहा है कि ओरिजिनल का एड्रेस वहाँ पे उठा के वापस रख रहा है। तो हुक करना, चेन करना, अनहुक करना, ये बातें हमारी अभी तक हुई हैं। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो TSR है, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, मतलब ताल्लुक उसका इसी बात से है जो हम कर रहे हैं। इसको TSR कहते हैं, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, और ये समझ उसी वक्त आएगा जब पिछली बात समझ आएगी।
तो टर्मिनेंट स्टेट रेजिडेंट में ये है कि प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, विच मीन्स एंड तो हो जाएगा, टर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन रेजिडेंट रहेगा। रेजिडेंट रहने से मुराद ये है कि वो मेमोरी में मौजूद रहेगा। अब जरा समझने की कोशिश करना, मैंने ये सारा काम किया, मैंने शिफ्ट से एल लिखवाया, शिफ्ट से राइट लिखवाया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक मेरा प्रोग्राम चलेगा। जैसे ही मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, मेरा प्रोग्राम मेमोरी में से बाहर फेंक दिया गया। KBISR भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा थी, जिसमें ये लिखा हुआ था एक्चुअली कि शिफ्ट पे एल लिखना है और आर लिखना है, तो वो तो सारा कुछ मेमोरी में से निकल गया क्योंकि तो प्रोग्राम ही खत्म हो गया। तो अब तो जब मैं अगला काम करूंगा, जब अगला प्रोग्राम चलाऊंगा, तो उसमें तो ऐसा नहीं होएगा कि शिफ्ट से एल लिखा जाए और शिफ्ट से राइट लिखा जाए, क्योंकि वो अब प्रोग्राम रहा ही नहीं मेरा मेमोरी में। TSR ये करती है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर देती है, लेकिन उसको मेमोरी में छोड़ देती है, जिससे ये होएगा कि तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब तुम कोई और काम कर रहे हो, लेकिन जब तुम शिफ्ट दबाओगे तो अभी भी एल आएगा, और जब तुम शिफ्ट दबाओगे तो अभी भी आर आएगा। वेरी 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 पावरफुल कॉन्सेप्ट। TSR इंश्योर दैट व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स द कोड, सम कोड, बल्कि सारा कोड नहीं होता, आप बताते हो उसको कि कितना कोड छोड़ना है, सम कोड रिमेन्स इन मेमोरी। फॉर्चुनेटली बात यह है कि इफ वी लीव KBISR इन मेमोरी आफ्टर प्रोग्राम टर्मिनेट्स, यानी प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन KBISR को हमने वहीं पे छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन इज दैट इवन आफ्टर एग्जिटिंग द प्रोग्राम शिफ्ट कीज विल स्टिल प्रोड्यूस एल एंड आर। बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है कि कैसे करते हैं। अच्छा, करना कैसे है बाय द वे, ये भी जरूरी है। तो TSR इज क्रिएटेड बाई यूजिंग इन 21 सर्विस 3100। पहले तो ये देख लो, और इसको मेरा ख्याल है सिर्फ वी नीड टू टेल द सर्विस हाउ मैनी पैराग्राफ्स कीप इन मेमोरी। कॉन्सेप्ट मुश्किल है, करना बड़ा आसान है। तुम पिछला, बल्कि पिछला प्रोग्राम देखो, ये पिछला प्रोग्राम कैसे एंड हुआ है, ऐसे एंड हुआ है। 21 की सर्विस उसने कॉल की है 4C100। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में एक बार वो रैल्फ ब्राउन लिस्ट दिखाई भी थी, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये सर्विस क्या करती है, ये सर्विस टर्मिनेट करती है प्रोग्राम को, और जितने भी प्रोग्राम है किताब में वो ऐसे ही एंड होते हैं। अब नहीं ऐसा होगा, अब ऐसा होएगा कि प्रोग्राम ऐसे एंड होएगा 21 की सर्विस 3100 से। अब तुम्हें ये बात याद रखनी है कि अगर तो प्रोग्राम 21 की सर्विस 3100 से एंड हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये TSR बन रहा है, और अगर 21 की सर्विस 4C100 से एंड हुआ है, तो इसका मतलब है नॉर्मल टर्मिनेशन हो रही है। ठीक है, पहली तो ये बात है कि बनाना किस तरह, मतलब करते किस तरह, तो बस इतनी है बात। ये सर कैसे बनानी है, ऐसे सर्विस कॉल करनी है। इस सर्विस को हमें सिर्फ एक बात बतानी होती है, वो ये होता है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने हैं जो मेमोरी में छोड़ने हैं। ये बात जरा काफी टेक्निकल है, वो ये है कि तुम्हारा कोड फॉर एग्जांपल 100 MB का है, ये पूरा तुम्हारा कोड है। अगर तो तुम पूरे का पूरा मेमोरी में छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, छोड़ दो, फाइन, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तुम उसका सिर्फ कुछ हिस्सा छोड़ना चाहते हो, हम क्या छोड़ना चाहते हैं, हम सिर्फ KBISR छोड़ना चाहते हैं। अगर तुम उसका सिर्फ कुछ हिस्सा छोड़ना चाहते हो एफिशिएंसी के लिए, तो तुम्हें उसको बताना पड़ता है कि तुमने कितने पैराग्राफ्स छोड़ने हैं। पैराग्राफ का अगर नहीं पता तो ये 16 बाइट होता है, एक पैराग्राफ जो है वो 16 बाइट होता है, तीसरा वर्ड 2 बाइट होता है, एंड सो ऑन, तो पैराग्राफ 16 बाइट होता है। तो ये हम बताते हैं DX रजिस्टर में, ये हम जो बताते हैं वो DX रजिस्टर में बताते हैं कि वो कितना उसको प्रोग्राम कितने हिस्से को मेमोरी में छोड़ना है। तो तुम्हें जब भी ये प्रोग्राम इस तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, उसके ऊपर तुम्हें 2-3 लाइनें नज़र आएंगी जिसमें DX को इनिशियलाइज किया जा रहा है, DX को। ठीक है, तो ये DX में या तो तुम हाथ से लिख दो
कि dx के अंदर 5 पैराग्राफ्स रख दो, लेकिन वो ये कैलकुलेशन करता है और वो बेसिकली करता ये है कि वो कहता है कि यार स्टार्ट से पहले पहले जितना हिस्सा है ना, एक्चुअली स्टार्ट से पहले है क्या अगर गौर करो, सिर्फ केबीआई है सारा, और तो कुछ नहीं है। तो वो ये कहता है कि स्टार्ट से पहले पहले जितना हिस्सा है ना उसको रेजिडेंट कर दो, बाकी को नहीं। तो वो dx को मूव करता है स्टार्ट पे, फिर उसमें 15 ऐड करता है, ये पैराग्राफ बना रहा है, फिर डिवाइड करता है, शिफ्ट राइट के जरिए से डिवाइड करता है ताकि उसके पैराग्राफ्स बन जाएं। और अब बात सिंपल है कि वो ये प्रोग्राम अब मेमोरी में रह जाएगा। अब होएगा क्या जब ये मेमोरी में रह जाएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो ठीक है TSR बन गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब होएगा क्या अगर हम इसको चलाते हैं? हम कर दिया, तो होएगी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, मैंने ये TSR होता है, बाय द वे ये TSR होता है कि मैंने प्रोग्राम रन किया और वो फॉरन टर्मिनेट हो गया, बस वो चलता है और वापस आ जाता है। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टरी देख सकता हूँ, मैं CLS कर सकता हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये L आ जाता है और जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये R आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं चीज़ें चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं शिफ्ट दबाऊँगा तो अभी भी वो आएगा। ये टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट की ब्यूटी है और पावर है, मतलब ये बहुत पावर है कि तुम्हारा प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया है लेकिन तुम अभी भी मतलब वो अभी भी है, तुम्हें आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तुम्हें असाइनमेंट्स आएंगी जिसमें लिखा होएगा कि TSR बनानी है। क्वेश्चन ये होएगा कि क्रिएट अ TSR एट टू डू दिस, जो भी काम करना। तो तुम जब भी TSR का लफ्ज़ सुनोगे तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलेगी कि इंटरप्ट 21 की सर्विस 3100 कॉल होनी है, बस खत्म बात, ये TSR है। लेकिन ये चला के देखो, नॉर्मल प्रोग्राम चला के देखो कि वो कैसे चलता है और ये प्रोग्राम चला के देखो कि कैसे चलता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नॉर्मल प्रोग्राम उस वक्त तक चलता है जब तक उसकी इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, जब वो एंड हो जाता है तो बस वो ख़त्म हो जाता है, खलास, उसके बाद कुछ नहीं होना। TSR बड़ी इंटरेस्टिंग है। TSR ये होता है कि वो तो चल के फौरन एंड हो जाती है, फौरन वापस आ जाती है, प्रॉम्प्ट तुम्हारे पास फौरन ये प्रॉम्प्ट वापस आ जाता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो उसका जो फंक्शन है TSR का वो अभी भी एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि वो मेमोरी में पड़ी हुई है और हुक भी लगा हुआ है, ये हुक भी लगा हुआ है और वो रूटीन भी मेमोरी में पड़ी हुई है, अब ये सारा वक्त काम करता रहेगा। ये बहुत सारी जगहों पे काम आती है ये टेक्निक TSR की, मतलब डिवाइस ड्राइवर्स जो लिखते हैं लोग वो करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखते हैं वो भी ये यूज़ करते हैं, पर TSR के बगैर तुम्हारी जान नहीं छूटने रहती। ये टेक्निकल कहानी है कि TSR कैसे चलती है। मैं जिक्र कर देता हूँ लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मैं मेमोरी बनाता हूँ नीचे से, मैं ज़ीरो को नीचे रखता हूँ और फिर ऊपर की तरफ जाता हूँ, इसने ज़ीरो ऊपर रखा हुआ है और ये नीचे की तरफ गया है, बात वही है। तो जीरो एड्रेस के ऊपर तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि एक टेबल होती है जिसको इंटरप्ट वेक्टर टेबल बोलते हैं, उसके बाद बायोस होती है। अब बायोस क्या होती है, तुम्हें पता है कि वो रोम से लोड होती है, तो बायोस के अंदर अपनी रूटीन्स पड़ी होती हैं। भाई ये जो सारे हम बातें करते हैं कि डिफॉल्ट ISR पड़ी हुई है और ये सारा कुछ, ये कहाँ पड़ा होता है, ये बायोस के अंदर पड़ा होता है, वो यहाँ पे लोड हो जाती है। इसके बाद तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज है तो यहाँ पे विंडोज लोड हुई होगी, लेकिन अगर डॉस है तो डॉस के कर्नल को command.com कहते हैं। command.com एक फाइल है जो डॉस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करती है, तो अगर डॉस है तो फिर ये लोड हुई होगी। बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो खाली होता है, तो बाकी सारी मेमरी जो है वो खाली होती है और उसको कहते हैं ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया। ये सारी जगह खाली होती है। जब तुम एक प्रोग्राम रन करते हो डॉस में तो वो इस जगह पे आ जाता है और रन हो जाता है। ठीक है,
डॉस जो है वो विंडोज की तरह नहीं है। विंडोज में तो ये है कि तुम 10 प्रोग्राम्स इकट्ठे चला लो ना तो इस जगह पे 10 प्रोग्राम पड़े होंगे इकट्ठे, लेकिन डॉस में ऐसा नहीं है। डॉस में सिंगल टास्किंग है, तो एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम यहाँ पे आ सकता है। तो जब तुम अपना प्रोग्राम चलाते हो तो वो इधर लोड होता है, उसमें जो हुक लगा हुआ है KBISR, वो भी KBISR इधर ही लोड होता है, वो चलना शुरू हो जाता है। वेरी गुड। जब प्रोग्राम खत्म करते हो, टर्मिनेट करते हो, तो ये सारी मेमोरी खाली कर दी जाती है और अगला प्रोग्राम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जारी बात है, डॉस को और बायोस को और वेक्टर टेबल को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम की मेमोरी खाली हो जाती है। अब जब तुम टर्मिनेटेड स्टे रेजिडेंट करते हो तो तुम कर ये रहे हो कि यहाँ पे तुम एक और लेयर बना रहे हो जिसमें तुम अपने प्रोग्राम को फिट कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम प्रोग्राम को टर्मिनेट तो कर दो, लेकिन वो वाला हिस्सा मेमोरी में हमेशा पड़ा रहे। तो अब हुक भी पड़ा हुआ है, वो KBISR भी पड़ी हुई है, तो अब प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो जाए तो वो सारा काम होता रहेगा। ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल रीडिंग कर लेना, इसको करना जरूरी है, करना इसको लाजमी आना चाहिए। अच्छा भैया, अब यहाँ पे जरा टॉपिक चेंज होता है और टॉपिक ये हो जाता है कि तुम्हारे पास एक CPU है, दुनिया का कोई भी CPU है, ये एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड होता है एक डिवाइस को, जिसको बोलते हैं PIT, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। इसकी बड़ी डिटेल है, वैसे अगर इंटरेस्ट लो तो इसमें 1.18 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज पे आ रही होती है। CPU के अंदर जो क्लॉक है, CPU जो भी हो भाई, कोर i7 हो, पेंटियम 1 हो, जो भी हो, वो ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी 1.18 मेगाहर्ट्ज़ की पिट को मिल रही होती है। पिट के तीन चैनल हैं जो बाहर निकल रहे होते हैं, आउटपुट आउटपुट तीन चैनल है। ठीक है, इनको चैनल 0, 1, 2 कहते हैं। चैनल 0 सिर्फ तुम्हारे कोर्स में है, लेकिन
हेलो जी जी सर। यार, मेरा कनेक्शन ठीक होता है बार बार। अच्छा चलो दोबारा। वीकेंड है इस वजह से, मैंने कहा वीकेंड पे लोड होता है ना, तो मैं भी इस वजह से हूँ। नहीं पता नहीं क्या है, बड़ा ऐसे ही है। कहाँ तक पहुंचे थे? चैनल सर ये चैनल जीरो की बात की थी जीरो की आपने। बात। अच्छा, बाकी दो चैनल जो है ना वो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, तो उनकी कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी सिर्फ चैनल जीरो की। अब तुमने पिक्चर ये बनानी है अपने दिमाग में कि जो पिक है, तुम्हें पता है ना पिक के 8 चैनल्स होते हैं। कल हमने बात की थी IRQ 1 की, जो कीबोर्ड पे लगा होता है, ठीक है ना? तो आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का चैनल है IRQ 0, वो लगा होता है पिट के साथ, पिट के चैनल जीरो के साथ, ठीक है? और इस पे होता ये है कि इस पे खास पल्स आ रही होती है। यार ये हार्डवेयर इंटरप्ट है, ये जरा टेढ़ा सा काम है, इसको समझना। तो बाय डिफॉल्ट IRQ 0 गेट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 18.2 टाइम्स पर सेकेंड। टाइमर का काम क्या है, पिट का काम क्या है? पिट का काम ये है कि ये पल्स प्रोड्यूस करता है, एक डीप कह लो, एक पल्स कह लो, एक पिंग कह लो, बस एक पिंग प्रोड्यूस करता है, एक बार 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 सिग्नल देता रहता है, ठीक है? तो वो सिग्नल इस चैनल पे, चैनल जीरो पे 18.2 टाइम्स पर सेकंड आता है, यानी IRQ 0 पे 18 दफा एक सेकंड में खुद ब खुद इंटरप्ट आता है, खुद ब खुद। क्योंकि भाई कीबोर्ड वाला तो फर्क था ना, कीबोर्ड में तो इंटरप्ट उस वक्त आएगा जब तुम की दबाओगे, यानी तुमने कोई एक्शन लोगे तो फिर इंटरप्ट आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है कि खुद ब खुद 18 दफा एक सेकंड में ये इंटरप्ट आना ही आना है, जो मर्जी कर लो, ठीक है? अच्छा, अब ये है IRQ 0। इसमें 8 जमा करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा इंट नंबर 8। अब अगर तुम हुक कर लो इंट 8 को, तो दिस इज वेरी पावरफुल। क्यों? वजह कि हमने कल कीबोर्ड को हुक किया था। कीबोर्ड के हुक में ये होता है कि जब भी तुम की दबाओगे तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुम्हारा हुक चल पड़ेगा, ये हो रहा था। यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई की दबाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद 18 दफा इस तार के ऊपर सिग्नल आ रहा है, खुद ब खुद आ रहा है। अगर तुम उसको हुक कर लोगे तो तुम्हारा हुक जो है, हुक विल एग्जीक्यूट 18 टाइम्स पर सेकेंड ऑटोमेटिकली। ये जो ऑटोमेटिक वाली बात है ना, ये बड़ी पावरफुल बात है। कोई की दबाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें पता है पीछे सिग्नल तो आ ही रहा है। जैसे ही तुम उसको हुक करोगे, अब तुम्हारा कोड जो है वो 18 दफा चलना शुरू हो जाए, ठीक है? अच्छा, बेसिक बात बिल्कुल इतनी है। अब जो एक्चुअल आगे की बात है वो ये है, एक एक करके करते हैं हिस्सा कि करना कैसे है। एक सेकंड देना। तो ये करेगा ये, अब ये अब करेगा इंटरप्ट 8 को हुक। पिछले चैप्टर में हम 9 को कर रहे थे, अब हम 8 को हुक कर रहे हैं। अब ये तुम्हें समझ होनी चाहिए कि अगर 8 हुक हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि एक सेकंड में 18 बार तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होना है। हुक वाला ना वो ये खुद ब खुद आ रहा है सिग्नल, तो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोग्राम को रेजिडेंट कर दिया। रेजिडेंट करने का मतलब है कि प्रोग्राम टर्मिनेट होएगा और फॉर्म खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हुक पे हमने लगाया है टाइमर नाम का कोड। टाइमर नाम का कोड ये सादा सा 2 लाइनों का कोड है, बिल्कुल सादा सा कोड है। ये क्या करता है, कोई वेरिएबल है टिक काउंट नाम का। टिक काउंट जो है वो 0 ही होएगा, आई एम श्योर। हाँ, टिक काउंट स्टार्ट में हमने इनिशलाइज कर दिया है 0 पे। एक वेरिएबल है सिंपल जो 0 है। टाइमर ये करता है कि उसको इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, इंक्रीमेंट करता है और उसको प्रिंट कर देता है और खत्म हो जाता है, बस डन। ये टाइमर का काम। अब अगर दिमाग में कर सको कि
कि जब मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा तो क्या होएगा, एक सेकंड में 18 दफा वो इंटरप्ट आ रहा है, तो तुम्हारा कोड जो है वो एक सेकंड में 18 बार एग्जीक्यूट होना ही होना है। सवाल ये कि तुम्हारा कोड कर क्या रहा है, वो एक टाइमर को, एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता ऐसे ही है ना, और उसको प्रिंट कर देता है, तो ये होएगा। स्पीड देखो उसकी कितनी तेज है कि एक सेकंड में 18 बार वो आ रहा है ना हुक बार बार, तो वो उसको इंक्रीज किया जा रहा है, हर दफा इंक्रीज करता है प्रिंट कर देता है, इंक्रीज करता है प्रिंट कर देता है। ये काम वो एक सेकंड में 18 बार करता है तो तुम्हें स्क्रीन पे एक टाइमर सा चलता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनेटेड स्टेट रेजिडेंट प्रोग्राम है, जिसका मतलब है कि मैं डायरेक्टरी लूं वो चलता रहेगा, मैं क्लियर स्क्रीन करूँ वो चलता रहेगा, मैं कुछ भी करता रहूँ, बट टर्मिनेटेड स्टेट रेजिडेंट है वो तो पीछे बिहाइंड द सीन्स चलता ही जा रहा है ना, वो तो नहीं रुकेगा। तो ये इंटरप्ट 8 जो है ना, ये बड़ा ही इंतहाई पावरफुल इंटरप्ट होता है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ की नहीं दबानी, कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद पीछे से आ रहा है। तो जब भी इंटरप्ट 8 को कभी भी हुक लगाओ तो बड़ा सोच समझ के लगाना और अपने आप से पूछना मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ हुक, ठीक है, क्योंकि वो खुद ब खुद चलेगा बार बार ना। अच्छा, इसका अब यहाँ तक तो बड़ा ज़रूरी था, अगला जो है ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो ज़रा फॉलो करना। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज़रा फॉलो करना। ये चार लाइनों में हमने क्या किया, हमने दोनों को हुक कर दिया ना, ये हमने इंटरप्ट 9 को, टाइमर को भी, ये हमने इंटरप्ट 9 को हुक कर लिया और ये हमने इंटरप्ट 8 को हुक कर लिया। दो हमने पहले दो प्रोग्राम अलग-अलग किए थे ना, पहले हमने ये किया था कि इंटरप्ट 8 को अलग हुक किया था, 9 को अलग। अब ये करेगा ये कि अब हम ये टाइमर वाला तो वही है ना, टाइमर में तो कोई खास बात नहीं, नहीं टाइमर में भी खास बात है, टाइमर में अब क्या खास बात है ये देखो, पहले ये हो रहा था कि वो सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा था और उसको प्रिंट कर रहा था, अब ये कुछ एक्स्ट्रा लग गया, ये एक इफ की कंडीशन लग गई है कि ये प्रिंट सिर्फ उस वक्त करेगा जब टाइमर फ्लैग कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 होगी। यानी देखो ना, अगर तो इसकी वैल्यू 1 नहीं है जंप इफ नॉट इक्वल टू स्किप, तो बेसिकली अब टाइमर में सिर्फ एक कंडीशन लग गई है और कि भाई तुमने प्रिंटिंग सिर्फ उस वक्त करनी है जब टाइमर फ्लैग 1 होएगा। अब टाइमर फ्लैग की क्या कहानी है वो KBISR से समझ आएगी। KBISR के अंदर कहानी ये है कि जब कोई की प्रेस होएगी हम इधर आ जाएंगे, जाहिर बात है इधर हम आके क्या करेंगे, हम की को पढ़ लेंगे जिस तरह कल पढ़ रहे थे, हम चेक कर लेंगे कि क्या वो लेफ्ट शिफ्ट की है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट की होती है तो इस दफा हम L और R नहीं लिख रहे, इस दफा हम टाइमर फ्लैग की वैल्यू को कर रहे हैं 1। ये बेसिक गेम है इसकी, मैं इसको चला के दिखाता हूँ तुम्हें कि ये कर क्या रहा है, लेकिन अगेन ये देख के नहीं आनी चीज़ें, ये तुम्हें करने ही पड़ने हैं, खुद करोगे तो बात बनेगी। सारे प्रोग्राम अभी तक चल रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ कैसे चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं हमारे, तो अगर चल रहे हैं तो इनको चलाओ। और मेरा ख्याल है कुछ वेरिएबल्स वो हुए हैं ऊपर से, वेरिएबल एक टाइमर फ्लैग, हाँ ये वेरिएबल जी, ठीक है, चीज बड़ी इंटरेस्टिंग करेगा, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही वो हो जाएगा। तो जी कुछ भी नहीं हुआ, तो गेम ये है कि अब पीछे इंटरप्ट 8 तो आ रहा है,
वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जा रहा है, उसको तो नहीं तुम बंद कर सकते। लेकिन याद करो उसके अंदर कंडीशन लगी हुई थी कि अगर टाइमर फ्लैग वन है तब वो प्रिंट करेगा, वरना प्रिंट नहीं करेगा। अब टाइमर फ्लैग कैसे वन होएगा जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ये मैंने शिफ्ट दबाया तो टाइमर फ्लैग वन है, अब जब शिफ्ट छोड़ दूंगा, अब मैं छोड़ने लगाऊं तो टाइमर वहीं पर रुक जाएगा। मेरा प्रोग्राम चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे ही मैं शिफ्ट दबाऊंगा चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट छोड़ूंगा वो खत्म हो जाएगा। वंस अगेन KBISR के अंदर हमने एक की पढ़ी, हमने देखा कि अगर शिफ्ट दबा है तो हमने टाइमर फ्लैग को वन कर दिया, लेकिन अगर हमने शिफ्ट छोड़ दिया has shift key been released, तो वहां पे हम टाइमर फ्लैग को कर देंगे जीरो। तो जैसे टाइमर फ्लैग जीरो होएगा, वो जो वो कोड था टाइमर का जो ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये ना समझना कि वो नहीं चल रहा, वो चल रहा है पीछे, बार बार इंटरप्ट डेट आता है, वो तुम्हारे हुक में आता है, तुम्हारे हुक में आके देखता है कि अच्छा टाइमर फ्लैग वन नहीं है, और बस वापस चला जाता है। प्रिंटिंग वो सिर्फ उस वक्त करता है जब टाइमर फ्लैग वन होता है। अब इसमें एक नई बात है, वो सुन लो, स्कैन कोड्स जो होते हैं ना वो दो हिस्सों में चलते हैं। स्कैन कोड्स आर डिफरेंट फॉर प्रेस एंड रिलीज। अस्सुम दैट आई डोंट नो ए हैज स्कैन कोड 54 फॉर एग्जांपल, ठीक है, इमेजिन करो कि ए का स्कैन कोड ये है, टेमी इमेजिन करो कि ये स्कैन कोड है, ठीक है जी। स्कैन कोड एक्चुअली 7 बिटों का होता है, बस ये जो सबसे ऊपर वाली एक बिट होती है ना, ये स्कैन कोड नहीं होती, ठीक है। ये जो इसको क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं ना, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द कोड रिप्रेजेंट्स अ प्रेस और रिलीज। तो ये जीरो होती है मेरा ख्याल है प्रेस के केस में, और वन होती है शायद रिलीज के केस में। इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा गूगल करोगे या किताब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी वाली कौन सी। लेकिन बात ये है कि जो आठवीं बिट है उसका कोड से ताल्लुक नहीं होता। आठवीं बिट का ताल्लुक इस बात से, देखो ना, अगर तुम शिफ्ट दबाओगे तब भी वही की है, अगर तुम शिफ्ट रिलीज करोगे छोड़ोगे तब भी वही की है, तो कोड तो नहीं चेंज होना, वो 7 बिटें तो नहीं चेंज होनी, लेकिन आठवीं चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कि तुमने दबाया है या तुमने छोड़ा है। अब ये वाली चीज़ इस प्रोग्राम में इसने इस्तेमाल की है, वो ऐसे किया है कि ये है शिफ्ट की प्रेस, ठीक है, बड़े आराम से बंदा तुम खोल के देख सकता है। अगर 2A देखोगे क्या होता है, तो हेक्स में अगर देखो 2A बाइंड्री में क्या होता है, बाइंड्री में वो ये होता है, आठ बिटों पर ले जो ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसके रिलीज में ये होएगा सिर्फ कि सिर्फ ये वाली बिट जो है वो वन हो जाएगी, ठीक है, 1010010 हो जाएगा। अच्छा, अब 1010010 क्या होता है हेक्स में, वो होता है डबल ए। तो तुम्हें जो अगला कोड नजर आएगा वो डबल ए नजर आएगा कि वो रिलीज हुआ है। यानी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा मामला है, लेकिन इस बात को समझो कि स्कैन कोड होता 7 बिटों का ही है। आखिरी बिट का मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो की प्रेस हुई है या की रिलीज हुई है। अगेन इन सारी चीजों की प्रैक्टिस क्या है कि तुम कोई की दबाओ तो तुम्हारा नाम आ जाए, की छोड़ो तुम्हारा नाम उड़ जाए स्क्रीन से, दूसरी की दबाओ तो कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ जाए, दूसरी की छोड़ो तो वो गायब हो जाए। मतलब ये प्रैक्टिस हैं इसकी जो तुम कर सकते, है ना। सबसे पहले तो वही करो जो मैंने किया, किताब के प्रोग्राम्स रन करके देखो, जब वो चल जाए तो फिर अपनी ये एडजस्टमेंट करनी शुरू करो कि हमने इसको कैसे वो करना है। ठीक है भाई, मुझे एक दो मिनट दो।